बैठे कैसे स्प्रे कर सकते हैं 100 रुपए के पेड़ से। ये देखिए 100 रुपए का डब्बा, ठीक है चलिए हम मारते हैं। और सबसे पहली बात, जब भी मारे हाथ से नहीं मारना है, दूर से मारना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो स्प्रे होता है वो दूर से फैलता है, और जब हम पास से करेंगे तो वो बह जाएगा। भाई को सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, जल्दी भाई। हाँ गाइस सब्सक्राइब करना भाई, 1K पहुंचाओ 1K। तो गाइस यार अभी आप सोच भी नहीं सकते ये बाइक किस तरीके की बढ़ेगी। यहाँ पे दूर से मारना है, ठीक है, पास से नहीं मारना, दूर से, क्योंकि पास से मारेंगे डॉट डॉट हो जाएगा। 3 से 4 इंच का डिस्टेंस कम से कम रखना पड़ेगा आपको, जैसे बाइक में रखा हुआ भी डिस्टेंस थोड़ा सा। जरूरी नहीं है कि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 से आप मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई 1,000, 2,000 से भी हो सकती है दोस्तों, आप 500 से भी कर सकते हो, जैसा कि हम कर रहे हैं। ये इसमें बहुत ही कम खर्चा आएगा भाई, 500 दिखा रहे हैं तो कैसे होती है स्प्रे। ये देखिए टायर घूमते रहना चाहिए और आपका स्प्रे एक जगह पे होना चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हुई है हमारी स्प्रे, ठीक है। ये देखिए एक साइड से हो चुका है, अब इसके जो स्पोके हैं इसको हम करेंगे। वो देखो गाइस काम में बिजी बंदा तो फिट करेंगे। ये देखिए ये भाई पास से दिखाओ इनको, ये देखो गाइस यहाँ पे कितने स्क्रैचेस थे। अगर इसको डबल कोटिंग होगी ना, माँ की कसम नई की तरह फ्रेश की तरह लगेगी। गाइस ये बाइक तो कुछ भी नहीं है, ये बंदा हमारा ना हायाबुसा तक का काम कर लेता है। डुकाटी हो चाहे हायाबुसा चाहे जी मासो, पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे ऑल बाइक जो है मॉडिफाई की जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेक्ट नंबर नीचे होगा, आप फोन करिए और यहाँ पे आइए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास बाइक आई थी सीडी डॉन, ठीक है दोस्तों, और इसमें खर्चा बहुत ही कम आया है, ये सबसे मेन बात है। तो ये देखिए अगला जो रिम है ये तैयार हो चुका है, बिल्कुल स्प्रे मार दिया हमने, और यहाँ पे देखिए ये स्प्रे मार दिया हमने, ठीक है। तो बाइक जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है इंजन चढ़ाने के लायक, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये देखिए इतना सारा गंद पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम वॉशिंग के लिए लगाएंगे, और वॉशिंग करने के बाद हम इसके ऊपर इंजन चढ़ाएंगे। ये देखिए ट्रैक्टर से जितनी भी मिट्टियाँ होती है सारी निकल जाती है, अभी डीजल मारा है बाइक ने। तो गाइस धोने के बाद कुछ इस तरह से हमें बाइक देखने को मिलेगी, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये देखिए पेंट जो है एकदम परफेक्ट हुआ है, और बाइक हमारी जो है बिल्कुल वॉशिंग होके आ चुकी है, ये देखिए बिल्कुल साफ बाइक तैयार होगी दोस्तों। और बाइक तैयार होने के बाद कुछ इस टाइप का हमें देखने को इसका लुक जो है वो मिल जाता है, सिल्वर और ब्लैक में। तो ये कलर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे बेस्ट बात करें तो दोस्तों इसकी प्राइस मेरे को अमेजिंग लगी, जो कि 500 के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। नीचे से बात करें तो देखो ये दोस्तों इसकी जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। टैंकी इसकी सिल्वर की है, और दोनों जो रिम है इसके ये ब्लैक हैं।